नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो 5 जून की जो वीडियो है वह दूसरे वाले चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल का नाम है एवी सर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी जाकर के आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को बंद करने का प्लान मैंने क्यों किया था, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए, पिछले साल जून माह में मैंने शुरुआत की थी करंट अफेयर के वीडियो की। आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन, शायद ही इतने क्वेश्चन पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने कराए होंगे। और जून में बात करते हैं तो लगभग 3 से 4 हज़ार लोग वीडियो को देखते थे। बात करते हैं जुलाई माह की, तो जुलाई में जो ये संख्या है वह बढ़ करके हो गई 5 से 6 हज़ार। अगस्त में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर लगभग 12 से 13 हज़ार देखते थे। उसी प्रकार से सितंबर में आप पहुँच जाएंगे या फिर आप अक्टूबर में जाते हैं तो लगभग 15 से 16 हज़ार लोग वीडियो को देखते थे। लेकिन दिसंबर के बाद में लगातार जो डेली करंट अफेयर की वीडियो है उसके ऊपर व्यू कम होने लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो के ऊपर बहुत सारे व्यू आने चाहिए, लेकिन अगर मैं क्वालिटी कंटेंट देता हूँ, अगर किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरे करंट अफेयर के वीडियो से होते हैं, तो फिर व्यू के कम होने के पीछे का कारण क्या है? आप लोग जो काफ़ी समय से जुड़े होंगे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा। तो यही मेन कारण था कि जिसके कारण मैंने करंट अफेयर के वीडियो को बंद करने का निर्णय लिया था। और अगर चीज़ें उस प्रकार से नहीं रहीं जिस प्रकार से मैं टाइम देता हूँ करंट अफेयर के वीडियो को, तो शायद इन फ्यूचर मुझे इन वीडियो को भी बंद करना पड़े। तो अगर आपके पास में कोई सजेशन है कि आखिर में इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्या वीडियो में कोई कमी होती है या फिर अन्य कोई कारण हो सकता है, यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरा पहला टारगेट यही है कि जहां पर मैं था किसी समय वहां पर मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं। आप देखेंगे कि जहां से मैंने एक साल पहले शुरुआत की थी आज मैं उसी स्थान पर हूं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अगर मैं किसी भी फील्ड में अपना 100% देता हूं और उस 100% देने के बाद में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हों तो फिर मैं उस फील्ड में अपना ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। मेरी जगह पे आप में से कोई भी होता तो शायद यही करता। तो प्लान तो मेरा था कि मैं जनवरी माह से ही वीडियो बंद कर दूंगा, लेकिन उसके बाद में मैंने कंटिन्यू रखा पूरे एक साल तक बिना किसी गैप के, और मैंने आपको क्वालिटी कंटेंट भी दिया। ऐसा नहीं है कि किसी दिन मैंने वीडियो को छोटा कर दिया या प्रश्नों की संख्या कम कर दी, मैंने लगातार कोशिश की कि अपनी तरफ से आपको बेस्ट दे सकूँ। फिर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि निराशाजनक ही रही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या रीज़न हो सकता है या वीडियो में क्या कमी है, वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।